नमस्कार सहर छोट बड़ खबर सह आज स्पीड न्यूज को स्वागत करुछि मु अभिषा। छात्र छात्री दावी पर स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास को सूचना बातिल हेला चलित बर्ष दशम और मद्रासा बोर्ड परीक्षा। मंत्री कहते राज्य में कोरोना स्थिति संगीन थी छात्र छात्री सुरक्षा को दृष्टि रखी सरकार यह निष्पत्ति निर्धारित पद्धति अनुसार बोर्ड द्वारा फलाफल प्रकाश पाइब। जदि कौन छात्र छात्री एसंतोष व्यक्त करती तेज कोरोना स्थिति स्वाभाविक होगापर से परीक्षा दे पारे। 15/4/2021 तारीख में माननीय मुख्यमंत्री निर्देश मत कोविड 19 महामारी अत्यधिक संक्रमण को दृष्टि रखी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग समस्त अंशीदार पुंगानुपुख आलोचना करा चलित बर्ष 3/5/2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परिचालित तो दशम श्रेणी परीक्षा एवं 18/5/2021 ओडिशा राज्य मद्रास शिक्षा बोर्ड द्वारा परिचालित तो परीक्षा गुड़ को बातिल करागला। यही बोर्ड मानक द्वारा निर्धारित तो पद्धति अनुजाई छात्र छात्री मानकर परीक्षा फल प्रकाशन करा जीव। यही परीक्षा फल रे जेउ छात्र छात्री माने असहमति प्रकाश करिवे सेमानको परवर्ती पर्याय रे कोविड महामारी संक्रमण प्रशमित हेले बोर्ड मानक द्वारा निर्धारित दिवस रे परीक्षा पाई सुजोग दिए। राज्य रे प्रथम थर पाई दशम श्रेणी छात्र छात्री को गतकाली धारणा रे बसिथिबा देखिबा को मिलथिला। आज पवित्र श्रीराम नवमी किंतु सरकारंको कोविड नियम अनुसार भुवनेश्वर और कटक समस्त धर्मानुष्ठान बंद होता बेले राम मंदिर गुड़िकर खाँ खाँ परिवेश। अन्यपटे प्रसिद्ध बालुका शिल्पी सुदर्शन पट्टनायक पुरी बेलाभूमि कलार प्रदर्शन कर प्रभु श्रीराम एक सुंदर प्रतिमूर्ति या समस्त मास्क पिंधापी अनुरोध कर देखापी पुरी बेलाभूमि लोक भिड़ जमी। खोला बजार उपलब्ध हेब कोविशील्ड टीका दर धार्य कला सेरम इंस्टीट्यूट। सरकारी हस्पिटाल टीका डोज पिछा 400 टंका होता बेले घर हस्पिटाल डोज पिछा 600 टंकारी बिक्री हेब बोली घोषणा करिसेंती सेरम इंस्टीट्यूट सीईओ अदर पुनवाला। अन्य देश अपेक्षा भारत में यह कम दर थिबा से कहिसेंती। गतकाली ट्विन सिटी में समस्त धर्मानुष्ठान गुड़िक बंद पाई निर्देश जारी होता बेले आज गंजाम रे मध्य नियम लागू करने पाई निर्देश जारी हो जिलार समस्त मंदिर मस्जिद चर्च और धर्मियों पीठ से जनसाधारण प्रवेश को बारण करा केवल मंदिर पूजक माने पारंपरिक रीतिनीति संपन्न करेंगे एने ट्विट कर सूचना देखते गंजाम जिलापा। अंपटे भुवनेश्वर में होटेल और रेस्टोरांट बस खाई ग्राहक केवल पार्सल ऑनलाइन सेवा जारी रही। देश में 274 जिले में कोरोना पॉजिटिव हार 5-15% मध्य रही से 46 जिले में पॉजिटिव हार 15% रु अधिक रही। देश में संक्रमण संख्या बढ़ी चलता बेले मृत्यु हार ह्रास पाई 1.17% रही केन्द्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते। दिल्लीर कोरोना स्थितर मुकबिला उभय केन्द्र और राज्य सरकार मिलित भाव काम कर खूब शीघ्र दिल्ली में अतिरिक्त 164 ऑक्सीजन बेड 122 आईसीयू बेड जोग करा जिवो। देश में एबे प्राय 13 कोटी लोकों टीका प्रदान करा जाइतिबा बेले गत 24 घंटा मध्य प्राय 30 लाख डोज दिया जाइछि बोली एक सांबादिक सम्मेलन में केन्द्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण सूचना देछंती। ऑक्सीजन द्वारा मनीष बंची थाए किंतु आज से ही ऑक्सीजन केते लोकों पर काल साजिश। महाराष्ट्र नासिक्र जाकिर हुसैन हस्पिटाल ऑक्सीजन सिलिंडर लीक हो 22 जन प्राण हर सूचना मिली। लिकेज पर ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर हस्पिटाल प्राय 150 जन लोक उभय ऑक्सीजन और भेन्टिलेटर रखा जाता किंतु ऑक्सीजन बंद कर रोगी प्राण जा जना घटनार पुंगानुपुख तदंत हो महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राजेश तोपे कहते केते रोगी को अन्य हॉस्पिटल को स्थानांतरण करा जाए। छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले में पुणि माओ आतंक लैंडमाइन विस्फोरण में जड़े जवान गुरुतर सोनपुर कुंदला रास्तार जवान को टार्गेट कर लैंडमाइन खंजी माओवादी गुरुतर जवान को नारायणपुर सदर हॉस्पिटल भर्ती कर जिलार संपूर्ण अंचल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रही कहते नारायणपुर एसपी नीरज चंद्राकर।
अपडेट खबर जानिबा पई यूट्यूब रे लाइव ओडिशा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु एवं फेसबुक और ट्विटर रे फॉलो करंतु। स्पीड न्यूज को एटा कुछ नमस्कार।